और आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि फ्लरी क्या खाना खाती है, फ्लरी का फूड हैबिट क्या है, क्यारा क्या खाती है। अभी हम देखने जा रहे हैं एक बंगाली मूवी जो पापा ने पहले नहीं देखा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा मैं रात को बात कर रही हूँ, बट एकदम सुबह हो चुकी है, 8:30 बज रहे हैं। बट फ्लरी का सुबह अभी नहीं हुआ है और कियारा तो हमेशा एवर रेडी खेल रही है नीचे। तो आज है, आज क्या है, आज है वेंसडे और अभी हम थोड़ा जल्दी उठते हैं। वेंसडे 15, तो ये आजकल जल्दी निकल जाता है, 9:30 तक निकलता है और वापस भी आता है बहुत लेट, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एनीवेज, तभी वो राइस खा के जाएगा। लास्ट 2 दिन से मैगी खा के जा रहा था, जैसे कि मैंने बोला था उसको मैगी इतना पसंद है, कुछ भी समझ रख दो मैगी खाएगा। तो अभी सुबह सुबह कड़क चाय के साथ हम सब बैठे हैं और पापा जा रहे हैं कल। पापा, ये ट्रिप कैसा रहा इस बार? हाँ, बिजी ट्रिप था। मैंने कहा था क्योंकि ये तो शिफ्टिंग ये सब में ही कट गया, कहीं जाने का उतना कुछ करने का टाइम भी नहीं मिला। ऐसे भी 1 महीने के लिए आते हो तो इतना टाइम मिलता भी नहीं है, क्योंकि है तो लगता है 1 महीना बट है तो 2-2 दिन ही वीक में। कियारा, सिट डाउन, गुड गर्ल। फ्लरी भी आ गई है और अपने पेट पे महारानी की तरह बैठ के बिस्किट्स खा रही है। मम्मा, गुड मॉर्निंग। तो अच्छे बच्चे की तरह आज खाया जा रहा है राइस दाल, एकदम वो तुमको स्कूल वाली फीलिंग आ रही है क्या जब सुबह स्कूल जाते थे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऑफिस वाली फीलिंग आ रही है, बट ऐसे तो राइस दाल ये सब खा के हम स्कूल जाते थे। हाँ ले लो, उसका पूरा ही तुम्हारा है, ले लो। कल रात को एक फिश बचा के रखा गया था क्योंकि दिस गाई कांट ईट वेजिटेरियन फूड, चाहे वो सुबह 9 बजे हो या रात के 11 बजे। वेजिटेरियन फूड मैं खा सकता हूँ बट साथ में नॉनवेज भी होना चाहिए। तो को क्या मतलब हुआ उसका? वही तो मैं बोल रही हूँ। ये हुआ कि आई ईट वेजिटेबल्स अ लॉट बट द सेम टाइम आई आल्सो वांट नॉनवेज। नॉट अ लॉट, लाइक आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट एनी वेजिटेबल फॉर दैट मैटर, वेदर इट्स लाइक बिटर गोर्ड और कुछ भी बिटर हो वहाँ से लेके कोई भी सब्जी मैं खाता हूँ। आई हैव नो हेजिटेशन इन हैविंग तिलापिया फिश। अच्छा बनाता था। अरे इन दोनों को देखो, क्यों फ्लरी को बैठना है यहाँ पे? क्योंकि डैडी से अगर कुछ मिले, बट कियारा बैठने नहीं देगी क्योंकि कियारा को लगता है फ्लरी बैठती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे भी कियारा को हम कुछ नहीं देते, नहीं मिलता है ना, और फ्लरी यहाँ पे बैठती है तो फ्लरी को मिलता है, इसलिए वो फ्लरी को यहाँ पे बैठने नहीं देना चाहती। क्यों? नो, सिट डाउन। नो, हाँ सिट डाउन, गुड गर्ल। मामा यहाँ पे है बुम्बा। Hi. बुम्बा, तुमने सनग्लास क्यों नहीं खरीदा लास्ट वीडियो में? Actually, लोगों का सवाल है। सनग्लास का जो फिटिंग है ना वो छोटा है मेरा, तो इसलिए। क्योंकि फेस से 4 इंच ऊपर तो बाल है और 2 इंच बाहर दाढ़ी, वो पहले निकालना पड़ेगा। एनीवेज, आज ये भी खा के जा रहे हैं राइस क्योंकि कल पापा ने बनाया था शुभ, तो जो ये नहीं खाया था इसलिए आज सुबह ये दाल भिंडी फ्राई शुक्तो खा के जा रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट एंड डैड्स ब्रेकफास्ट टुडे। ये रीच गोट का सब्जी है विथ पॉपी सीड, जिसको हम बोलते हैं झींगे पोस्तो, और रोटी गर्मा गर्म फुलके।
ब्रेकफास्ट के बाद डेजर्ट, हाँ मेरी छोनी उपाय, और बैठ गया है लैपटॉप एडिक्ट, एक्चुअली मेरा ही काम कर रहा है क्यों को ये नया वाला टॉय बहुत पसंद है, क्यों क्या खाती है, क्यों झींगे पोस्त तो खाए हाँ। हेलो, मैं हो गई हूँ तैयार, और आप सोच रहे हैं मैं तैयार होकर अभी कहाँ जा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:10, और हमने कुछ पोस्टर्स ऑर्डर किया था ऑनलाइन अमेज़ॉन से, जिसको मुझे फ्रेम करवाना है, क्योंकि नहीं तो पोस्टर्स ख़राब हो जाता है अगर आप विदाउट फ्रेमिंग लगा देते हो वॉल पे, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। कुछ बहुत ही फ़नी पोस्टर्स, ओके बाय। प्रशांत जी निकल रहे हैं ऑफिस, दीपांजन तो कब का निकल गया है, तो मैं जाऊंगी उसको दे दूंगी, क्योंकि सैटरडे हम कुछ ड्रिलिंग करवाने वाले हैं, तो अगर उससे पहले मुझे मिल जाए फ्रेम करके तो आसान रहेगा, उसी उन्हीं से सब काम करवा लेंगे, नहीं तो बाद में फिर से किसी और को बुलाना पड़ेगा या खुद को करना पड़ेगा। इसलिए जा रही हूँ अभी, और वापस आके लंच करूँगी। सुबह रोटी खा लिया था 11 बजे, तो पेट अभी काफ़ी फुल है, और कियारा और फ्लरी सोच में है मैं कहाँ जा रही हूँ, उनको साथ पे लेके जा रही हूँ बिल्कुल नहीं, पर मैं कैब में जाऊँगी तो उनको नहीं लेके जा सकती, और मैंने सोचा चली जाती हूँ, क्योंकि दीपांजन के लिए वेट करूँगी तो सारा काम वीकेंड के लिए रह जाएगा, बेकार में डिले होगा, और जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए क्यों किसी के लिए वेट करना, तो मैं खुद ही जाती हूँ और काम करके वापस आती हूँ, और फिर बात करती हूँ। बैक होम, और मिल जाएगा फ्राइडे रात तक, 7 बजे तक मिल जाएगा बोला है, तो सैटरडे शायद सारा काम हो जाएगा होपफुली। मैं घर आके देखती हूँ कि फ्लरी एंड केरा देवर बोथ स्लीपिंग टुगेदर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू नो, क्योंकि मुझे हमेशा वो रहता है कि मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो क्या कियारा फ्लरी को परेशान करती है, क्या दोनों लड़ते हैं, क्या करते हैं, बट पापा नहाने गए हैं तो दोनों अकेले साथ में सोए थे। आई थिंक जब हम नहीं रहते सो दे बिकम द बेस्ट बडीज़। हमारे सामने थोड़े दोनों ना वो जो ट्रेनर आए थे हमारे घर, उन्होंने बताया था कि ह्यूमंस आर लाइक रिसोर्सेस, क्योंकि हमसे उसको खाना मिलता है, हमारे साथ वो खेलते हैं, हमारे साथ प्यार मिलता है, तो वो रिसोर्स को लेके फाइट होता है दोनों डॉग्स में, अगर घर पे दो डॉग्स हैं तो। बट जब हम नहीं रहते दे आर द बेस्ट बडीज़, एंड लुक एट कियारा, आराम से फ्लरी के बेड पे चढ़ गई है। ये है लंच, राइस के साथ भिंडी फ्राई, यस फिर से भिंडी फ्राई, जैसे कि मैंने कहा हम बहुत भिंडी खाते हैं। दिस इज स्प्रिंग अनियन पॉपी सीड के साथ, दिस इज चना दाल जिसमें छोटा छोटा पीसेस कोकोनट डाला गया है, और ये है फिश विद आलू एंड परवल, फिश का एकदम झोल, तो इसके साथ हम दोनों करेंगे लंच, और फिर फ्लरी कियारा को भी खाना खिलाऊंगी, फटाक से लंच कर लेती हूँ, 2 बज रहा है। दिस इज फ्लरीज फूड एंड दिस वन इज फॉर कियारा। कियारा को अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना दे रही हूँ कंपेयर टू फ्लरी, क्योंकि कियारा ने सुबह आज कम खाना खाया था, इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ, हो सकता है उसको सुबह भूख नहीं था अभी है, सो होपफुली वो फिनिश करेगी। और आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि फ्लरी क्या खाना खाती है, फ्लरी का फूड हैबिट क्या है, कियारा क्या खाती है, तो आई थिंक मेनी ऑफ माई व्लॉग्स आई हैव शेयर्ड दिस डिटेल्स। बहुत से नए लोग हैं जो ऐड होते जाते हैं इस चैनल्स पे, पीपल हु आर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैव मिस्ड आउट फ्यू ऑफ दी व्लॉग्स इन बिटवीन, तो हो सकता है इसलिए मिस हो गया है। तो पहले मैं कियारा का बता देती हूँ, कियारा ईट्स ओनली डॉग फूड एंड नथिंग एल्स, ओकेजनली वी गिव हर बॉयल्ड चिकन, ओकेजनली मीन्स शी इज़ नाउ 5 मंथ्स ओल्ड, शी इज़ गोइंग टू बी 5 मंथ्स ओल्ड सून, इसके बीच में हमने बस 2 बार उसको बॉयल्ड चिकन दिया है मैश करके, सो दैट्स द ओनली थिंग शी हैड एक्सेप्ट हर डॉग फूड, और उसको छोड़ के शी ईट्स नॉर्मल ब्रिटानिया मारी गोल्ड बिस्किट्स, एंड आई ऑल्सो गिव हर द ट्रीट्स विच आर ग्रेन फ्री ट्रीट्स विच आई गॉट फ्रॉम गुडनेस पेट फूड, जो मुझे फ्री सैम्पल्स मिले थे, मैं एक वीडियो में शेयर भी किया था आपके साथ, तो वो खाती है। ये है कियारा का डाइट, वेरी सिंपल एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड, और मैं इस डाइट के साथ कितना दिन कंटिन्यू करूँगी, जितना दिन कियारा डॉग फूड खाना चाहती है
और मुझे लगता है कि वो खुश है ये खाना खा के। मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगी। मैं फिलहाल कुछ भी फूड स्विच करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ कियारा के लिए। नेक्स्ट इज़ फ्लरी। सो फ्लरी, सिंस फ्लरी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, शी स्टॉप्ड ईटिंग डॉग फूड। टिल द टाइम शी वॉज ऑन डॉग फूड एंड ओकेजनली वी यूज टू फीड हर होम कुक्ड मील, and suddenly she lost all her interest in that particular food, and we then switched her completely to home-cooked meal, which was boiled chicken and sweet potato. And sometimes I used to, and also I have lot of tasty dog meal recipes on my channel, wo bhi main occasionally usko diya karti thi. But I think a month or couple of months back मेरा 3-4 दिन का एक वीडियो ही बन गया था। मैं बीच में बहुत इरेगुलर भी हो गई थी बिकॉज फ्लरी वॉज नॉट वेल। जैसे ही गर्मी शुरू हुई थी बैंगलोर में अराउंड फेबररी और मार्च, उसने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही थी। एंड वॉट एवर द गुड थिंग्स वी कुड हैव ट्राइड विद, शी रिफ्यूज्ड ईच एंड एवरी थिंग टू ईट। एंड वी हैड कंसेक्यूटिव 3-4 वेट विजिट्स ऑल्सो। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट ब्लॉग बट स्टिल दे हैव कन्फ्यूजन इन माइंड दैट why I have switched her to dog food. She actually switched herself from home cooked meal to dog food. उसने जब वो सब कुछ भी नहीं खा रही थी, सारे कुछ हमने try कर लिया था, वो खुद ही कियारा के खाने पर interest दिखाती थी. So we consulted the vet, क्योंकि मैं कभी भी, for my babies I never experiment, I never do things out of my own ideas. मैं हमेशा 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 वेट से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करती। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। ही आस्ट अस टू गेट लाइक 2 kg पैकेट्स ऑफ रॉयल कैनिन मिनी जूनियर एंड ट्राई दैट विद फ्लरी, एंड शी स्टार्टेड ईटिंग दैट, शी स्टार्टेड लविंग दैट फूड अगेन। एंड इन बिटवीन आई ट्राइड फीडिंग हर होम कुक्ड मील बट शी वॉमिटेड दैट फूड आउट। So that's the reason I never forced her. तो जितना दिन वो ये फिर से खुशी खुशी खाना चाहती है उसको खाने देते हैं, वो वही खाती है। और फ्लरी वो ग्रेन फ्री ट्रीट को मुँह भी नहीं लगाती है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मुँह में डाल भी दो तो भी वो कहीं ना कहीं वो निकाल देती है, तो वो और कुछ नहीं खाती है। देखा जाए तो सब कुछ ही घर पर रहता है। ये पेडिग्री के पैकेट्स भी मैं रखती हूँ, पाउचेस, जिसमें वो ग्रेवी फूड आता है, चिकन एंड लिवर चंक्स इन ग्रेवी, और बॉइल्ड और बोनलेस चिकन भी मेरे घर पे रहता है। अगर वो नहीं खाती तो हम कुछ बना के खा लेते हैं। पैकेट फूड आई गिव फ्लरी वेरी रेयरली, क्योंकि ये पाउचेस में आते हैं, इट हैज़ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, तो डेफिनेटली दिस फूड्स हैव प्रिजर्वेटिव्स। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट, एंड दैट्स द रीज़न या तो हम ट्रैवल जब करते हैं या तो फ्लरी और कुछ खाना नहीं चाहती है, या तो जो वो नॉर्मली खाती है वो किसी रीज़न से अवेलेबल नहीं है, तभी मैं इस फूड्स को हाथ लगाती हूँ, वरना मैं ये फीड नहीं करती हूँ। और कियारा के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है बिकॉज कियारा बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटी है, और मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, फ्लरी एंड कियारा फूड हैबिट वाइज दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। फ्लरी मैं कह सकती हूँ शी इज़ अ वेरी फसी ईटर। फ्लरी के सामने आप 4, 5, 6, 10 चीज़ भी रख दो, खाएगी वो वही जो उसको पसंद आएगा। शी इज़ वेरी वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू हर फूड। बट कियारा इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। एज आई ऑलवेज से, एवरी डॉग इज़ डिफरेंट, एंड मैं तो अपने घर में 2 सेम ब्रीड्स के डॉग्स, उनका भी एक्सट्रीम अलग नेचर देखती हूँ। कियारा इज़ समवेयर लाइक, जो भी हमारे प्लेट्स में देखती है उसको लगता है वो सब कुछ खा सकती है, और वो सब कुछ खाना चाहती भी है। बट आई थिंक शी इज़ वेरी यंग टू बी चूजी, एंड उसको अभी भी उसका टेस्ट बड्स आर डेवलपिंग, क्योंकि वो डॉग फूड ही खाती है, तो जो भी थोड़ा बहुत उसको अलग भी चखने को मिल जाए उसको बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो वेदर शी इज़ गोना बी लाइक दिस फॉर एवर और शी इज़ गोना ग्रो हर ओन टेस्ट विथ टाइम्स। आई एम वेरी श्योर ये जो हमने अभी फिश का ग्रेवी खाया, ये भी मैं कियारा के प्लेट में दे दूँ तो कियारा खा लेगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज, एज अ पेरेंट आर वी सपोज टू फीड देम वॉट एवर वी ईट और वॉट एवर दे लाइक, और वी आर सपोज टू चूज देयर डाइट वेरी वाइजली, कीपिंग देयर हेल्थ एंड देयर इम्यूनिटी सिस्टम एंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इन माइंड। फॉर मी द सेकेंड थिंग वर्क्स द बेस्ट, एंड इवन इफ कियारा घंटों यहाँ पर बैठी भी रहे तो भी मैं अपने प्लेट से खाना उठा के उसको नहीं देती हूँ। सवाल अलग है कि अगर मैं रोटी खा रही हूँ, जो फुलके हम खाते हैं विदाउट ऑयल, उसमें एक चम्मच भी तेल नहीं डलता है, ना तो डो में तेल डलता है, ना तो रोटी सेंकने के टाइम हम तेल डालते हैं, बिल्कुल ड्राई फुलकास, वो कभी तोड़ के मैंने थोड़ा सा दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई विल नेवर मेक दाल रोटी ये एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर डाइट, बिकॉज दैट
विल नेवर बी एबल टू फुलफिल देयर कंप्लीट न्यूट्रिशन. और मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारे घर में जो दाल बनती है वो हम कितनी भी सिंपल बनाएं उसमें नमक या एक चम्मच तेल तो ज़रूर डलता है. एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. दैट डजंट वर्क फॉर मी एट ऑल. मैं कभी नहीं खिलाती हूँ वो. थोड़ा बिस्किट थोड़ा रोटी की बात अलग है, बट नॉर्मल जो कुक्ड फूड होता है हमारे वो मैं उनको नहीं खिलाती हूँ. तो ये है फिलहाल इन दोनों के डाइट. आई होप मैंने जिनके जिनके मन में सवाल था मैंने क्लियर किया. फिलहाल मैं दोनों को थोड़ा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ. वेदर भी बहुत ही क्लाउडी हो रहा है, देखते हैं बारिश आता है कि नहीं. तो पहले खाना खिलाते फिर मिलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेके आप लोगों से. दिस इज द ट्रीट विच कियारा ईट्स एंड शी लव्स इट. These are grain-free chicken and sweet potato balls, and these are specially made for puppies and specially for their training purposes. And the same treat I will try giving Flurry. Let's see her reaction, Mama. Now, come. That's what her reaction every time, every single time I try feeding her something which. She doesn't like that much. That's her reaction. Yay, it started raining and I'm really enjoying it. This is such a relief after that scorching heat and so relaxing. लरी अपना नींद पूरा कर रही है, बट कियारा बारिश हो तो उसको अंदर रहने का बिल्कुल मन नहीं होता है. हेलो मामा. हेलो हेलो फ्लरी. हम उठ गए हैं रेस्ट लेके और बाहर वेदर बिल्कुल येलोइश हो गया है. बहुत सुंदर लग रहा है. फ्लरी ने तो फिर भी सो लिया, बट कियारा अच्छे से नहीं सोई. बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड नॉइस आई होप यू आर एबल टू हियर दैट टू. गैस यहाँ पे बच्चा है हमारे नीचे के फ्लोर में, पूरी दोपहर चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था बालकनी पे, और इतना बड़ा सा एक बॉल लेके वो मार मार के खेलता है बाउंस करके. तो कियारा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कियारा को पता नहीं चल रहा था किस चीज़ का आवाज़ है. वो बहुत डर रही थी और बिल्कुल सो नहीं पाई बेचारी थी. हेलो. जी हाँ, मैं हाथ में दो बड़े बड़े प्याज लेके फिलहाल हूँ किचन में, क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो गया है मुझे लगा कुछ चटपटा बनाते हैं. क्या फिश का झोल खाएंगे इस वेदर में रात को. तो मेरे फ्रिज में था चिकन. इस वीकेंड बहुत दीपांजन बहुत सारा चिकन लेके आया था, जिसका आधा हमने पहले एक दिन बना लिया है, और बाकी का क्योंकि फ्रीज़र में रखने का जगह नहीं था तो मैं मैरिनेट करके नॉर्मल जो फ्रीज है फ्रीज़र नहीं वहाँ पे रख दी थी. तो इसमें थोड़ा हल्दी नमक मस्टर्ड ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट देके मैरिनेट करके मैंने रख दिया था, उसी को अभी बनाऊंगी. मुझे मन था अचारी चिकन बनाने का, बट मैं देख रही हूँ वो मसाला घर पे नहीं है, तो मैं शायद मेथी चिकन बना दूंगी जो रोटी के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि आज रात को रोटी है. बनाते यहाँ पे हम खा रहे हैं मूरी चनाचूर और उसके साथ लीकर चाय. और अभी हम देखने जा रहे हैं एक बंगाली मूवी जो पापा ने पहले नहीं देखा है. मैंने देखा है बहुत बार, पापा ने नहीं देखा है. मुझे पता नहीं था ये मूवी पापा ने देखी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सारे मूवीज़ अकेले अकेले हॉल पे जाके देख लेते हैं, बंगाली मूवीज़ जो अच्छे होते हैं. मुझे लगा था ये भी देखा है, बट बोल रहे नहीं देखा है. तो अभी हम ये देखेंगे विच इज़ गोयनार बक्स. ये तो देखो नहीं हॉले गए कि खाचो. ओ पापा कोकोनट, हाँ मूली के साथ कोकोनट खा रहे हैं, कोकोनट स्लाइसेस. हेलो डिनर टाइम नाउ. ये है वो मेथी चिकन
जो शाम को बनाई, और ये है रॉ पपाया की सब्जी विद चना, क्यूक्यूम्बर नहीं था ना, थोड़ा सा बस अनियन। तो पापा टेस्ट करके बताएंगे चिकन कैसा बना है। अभी हम आ गए हैं सोने। आज का चिकन उतना अच्छा नहीं बना था, थोड़ा सा बिटर हो गया था। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सब कुछ हिट नहीं होता है। आज का चिकन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एनीवेज, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अभी हम सो जाएंगे, टाइम हो रहा है इतना, इट्स 12:49 और दोनों ही हमारे साथ इधर है बिकॉज दिस इज़ द ओनली कदल टाइम दे गेट विद देयर डैडी, क्योंकि दीपांजलि अभी जल्दी निकल जाता है, लेट वापस आता है। तो कुछ देर यहाँ पे रहते हैं दोनों, और फिर हम कियारा को नीचे भेज देते हैं। फ्लरी कभी कभी हमारे साथ सो जाती है, या अभी फ्लरी नीचे भी सोती है तो कियारा डिस्टर्ब नहीं करती है। तो एनी वेज, वी आर एंडिंग दिस ब्लॉग हियर। आई होप दैट यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वन। इन केस यू हैव हिट द लाइक बटन, subscribe and do follow us on our Insta and FB pages to get day-to-day updates. See you soon in the next one. Till then, stay happy, take care. Bye. I'm a American. Bye-bye. A cue is biting daddy's lips. That's what she does. The best time in the entire day. ओके गाइस, कल फिर हमें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। कल पापा भी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। हम कितने बजे निकल रहे हैं? 12:31 o'clock तक निकलना पड़ेगा हमें। तो सुबह जल्दी उठ के काम खत्म कर लेंगे सब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, फाइनल बाय है ये। बाय बाय।